ये इटालियन एम्बेसडर है। चलो भैया, डोसा और समोसा और नींबू पानी। नमस्ते नमस्ते, हु इज प्रिपेयरिंग डोसा? धन्यवाद एवरीबॉडी, गुड जॉब, थैंक यू। डोसा बहुत अच्छा, धन्यवाद, फिर मिलेंगे। वो इंडिया गए हैं, रिक्शे में सफर कर रहे हैं, खाना शाना खा रहे हैं, कहते हैं इंडिया इतना बेहतरीन है, इतना मजे का है सब कुछ इंडिया के अंदर, मुझे इतना मजा। और उन्होंने कहा कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो मोस्ट लव लीडर इन द वर्ल्ड हैं, और मोदी की तारीफ भी की है कि मोदी ने अपने टेन्योर में इंडिया को काफी जो है तरक्की दी। दुनिया के जो जो बड़े एम्बेसडर हैं, पीएम हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो सारे जो हैं वो इंडिया जाते हैं, जाके इतना खुश होते हैं। और यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं, और आप बता रहे हैं कि वहाँ पर हिंदू आपको कपड़े के टुकड़े दे रहे हैं कि आप इसे जाय नमाज के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, सुभान अल्लाह। लेकिन मुस्लिम मालिक में तो और ज्यादा गिर गया, अभी तो आप हमें पसंद ही नहीं करते। पाकिस्तानी वहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं हैया हैया, मतलब चीजों को टच भी ना करें, और दूसरी कंट्रीज जो है सऊदी अरब पाकिस्तानी को देख के हैया हैया करते हैं, ऐसे ही है। डेवलपमेंट में कितना फर्क देखा इंडिया और पाकिस्तान? माय गॉड, डेवलपमेंट इज लाइक टू मच। मतलब मैं बताऊं कि वहां का गांव इज मोर लाइक आवर कराची, राइट? कहा बेटा पाकिस्तान का नाम लेकर क्यों बेइज्जती लानी है? अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को हर वसाइल से नवाजा है, हर वसाइल से नवाजा, इन जो है लोगों की वजह से दिल खून के आंसू रोता है। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर बाहर जाते हैं तो लोग कहते हैं भिखारी आया है भीख मांगने। चलो भैया, डोसा और समोसा और नींबू पानी। नमस्ते नमस्ते, हु इज प्रिपेयरिंग डोसा? धन्यवाद एवरीबॉडी, गुड जॉब, थैंक यू। डोसा बहुत अच्छा, धन्यवाद, फिर मिलेंगे। The ambassador of Italy in India and Nepal, Vincenzo De Luca. What is one Hindi word that you use a lot throughout your daily life here in India? Dhanyavaad. Dhanyavaad. We are now reached the top level of our relation between Italy and India. We launched the so-called strategic partnership last year with two summits between Prime Minister Modi and Prime Minister Meloni here in Delhi. And also we assigned a lot of agreement in terms of defense. And on the social media there was a hashtag Melody. Meloni plus Modi. Yes, I think exactly. Extreme popularity. So we are really waiting for Giorgio to come back. So, Melody, the meme is all over the internet. Whenever I go in India, they ask me when your prime minister come back here. Because it was a two very successful meeting last year in March and in September. मैं आपको एक वीडियो दिखाने लगी हूँ सर, ये देखिएगा। दुनिया के जो जो बड़े एम्बेसडर हैं, पीएम हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो सारे जो हैं वो इंडिया जाते हैं, जाके इतना खुश होते हैं। ये इटालियन एम्बेसडर है, वो इंडिया गए हैं, रिक्शे में सफ़र कर रहे हैं, खाना शाना खा रहे हैं, कहते हैं इंडिया इतना बेहतरीन है, इतना मज़े का है सब कुछ इंडिया के अंदर, मुझे इतना मज़ा। देखे ना, आपके सामने देख रहे हैं, आप खुद दिखा रहे हैं कि कैसे बेहतरीन है। ये एक आपने शायद वीडियो देखी भी हो कि अजान हो रही है, एक काफिर जो है वो अजान का अदब कर रहा है, और एक हमारा वज़ीर आज़म है कि वो अजान का अदब नहीं कर रहा। उसमें और इसमें कितना फ़र्क है? सबसे बेहतर चीज़ तो समझने वाली है कि वो और ये कितना बेहतर फ़र्क है। अभी आपने वो वीडियो नहीं देखी कि मुसलमान नमाज पढ़ रहा था, एक हिंदू भी जैसे आता है आके उसके ऊपर छतरी रखता है, बारिश हो रही थी, कितनी खूबसूरत बात है। मैं ना, कमाल है, बहुत ज़्यादा कमाल है, आपने सोचा भी नहीं होगा। इसके अलावा ये आप फलस्तीन के हालात देख लें, अगर हमारी फौज सिर्फ एक धमकी लगा देना तो इसराइल की जरूरत नहीं कि वो फलस्तीन पे हमला कर जाए। पता है इंडिया के राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को धमकी दी कश्मीर के लिए, घर में घुस के मारेंगे, और कहा कि POK मतलब हमारा आज़ाद कश्मीर, उन्होंने कहा कि हम वैसे ही आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद 20 पाकिस्तानी इंडिया ने मरवा दिए, यहाँ पर मरवा दिए, अभी अभी मरवा दिए, घुस के घर में घुस के मारा है। इन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। इन्होंने तो वो जहाज भी बेच दिया वापस, ये कहते हुए कि डर लग रहा है इंडियन आर्मी आने वाली है, अभिनंदन को छोड़ दिया। ये कुछ भी नहीं कर सकते, खुदा की कसम, मैं कसम अल्लाह ताला को हाजिर नाजर, रमजान अल मुबारक का महीना है, 27 का रोज़ा गुजर गया है, कसम उठा के कहता हूँ कि अगर इमरान खान जैसा लीडर अगर मिल जाए ना तो पाकिस्तान क्या आलमी दुनिया में किसी की जरूरत नहीं होगा कि कोई काफिर मुसलमान की तरफ मैली आंख देखे। सर, काफिर
काफिर नहीं देखता, ये हमें कहा जाता है काफिर देख रहा है। भाई हम तो मुसलमान मुसलमान को काट रहे हैं, मार रहे हैं, ये इसमें कोई शक नहीं, मुसलमान मुसलमान को काट रहा है, लेकिन अगर ऐसा लीडर मिल जाए तो ये सबको सीधा कर लेगा, ये सबको सीधा कर लेगा। सर जिस तरह से आपने भी बोला है और हमारा माइंड बनाया गया कि काफिर हिंदू मुस्लिम मुस्लिम, क्या हमें इन चीज़ों से निकलना चाहिए? भाई भाई अमन प्यार मोहब्बत का पैगाम देके सबके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने चाहिए, बेशक इंडिया के साथ बनाने चाहिए या नहीं? इंडिया के साथ साफ ज़ाहिर है मुसलमान है उधर बेहतर बनाने चाहिए, हमारे मुसलमान भाई हैं बेहतर बनाने चाहिए। बस एक हिंदू की मैंने नात सुनी है तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ रहा है, हिंदू पंडित नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ रहा है, यह वीडियो वायरल भी हुई है और हमने देखा है। और ये आर्मी के इंडियन आर्मी के जो हैं जवान वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ रहे हैं। अच्छा। उन्होंने तो पैगाम अच्छा दे दिया ना, हम क्या दे रहे हैं, हम तो हिंदू हिंदू काफर काफर करते रहते हैं। मैं ना छोटे बाजी इस बात को मैडम रह नहीं दे तो दिल खून के आंसर होता है, दिल खून के आंसर होता है, बस इसको छोड़ें, दिल खून के आंसर होता है। क्यों रोता है, किस चीज़ के लिए रोता है? इसीलिए रोता है कि जो ये हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं ना करप्ट टोला और जय लोग, इन जय लोगों की वजह से दिल खून के आंसर होता है। देखिए ना हमारे प्राइम मिनिस्टर बाहर जाते हैं तो लोग कहते हैं भिखारी आया है भीख मांगने, इंडियन प्राइम मिनिस्टर जब बाहर जाते हैं तो रेड कारपेट बिछाया जाता है, इतने फूड का इतना इंतज़ाम किया जाता है, उसके लिए हर चीज़ बेहतरीन करने की कोशिश की जाती है। नहीं अगर दुनिया की बात की जाए तो सारी बातें हिंदुस्तान का नाम आएगा, ठीक है, क्योंकि वो माशियत के लिहाज से सबसे आगे है, मतलब हमसे आगे है, सबसे आगे तो नहीं कह सकते, हमसे नंबर पे है, दूर भी नहीं है, वो दूर भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं अपने ज़ाती तौर पे पसंद करूँ ना तो मैं भी इंडिया को ही पसंद करूँगा, अगर मैं माशियत के हवाले से बात करूँ ना, मतलब उसके जॉब के हवाले से उनकी खुशहाली, इन्वेस्टर इन्वेस्टर आप इन्वेस्ट करना चाहोगे तो इंडिया में करना चाहूंगा। मैं इंडिया में करूँगा पाकिस्तान की निस्बत, ठीक है। क्या लगता है कि बींग पाकिस्तानी आपने ये बोला तो भाई दुनिया भी यही कहती है कि इंडिया बेहतरीन है, हर लिहाज से सेफ है, इन्वेस्टमेंट नहीं इधर उधर जाती, उसके अलावा भाई वहाँ पर फीडबैक बड़ा अच्छा मिलता है और वहाँ के इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। उसी रिलेटेड एक वीडियो है मेरे पास, मैं आपको दिखाना चाहूँगी, इटालियन एम्बेसडर जो कि इंडिया जाते हैं लोकल रिक्शे के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं और है। कहते हैं कि भाई इतना मज़ा आ रहा है मुझे इंडिया के, इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है, वो ये देखो खाना खा रहे हैं, कहते हैं कि भाई मैंने इस जैसा मुल्क कहीं नहीं देखा। वो बिल गेट्स के हिसाब लगा ले, ठीक है, वो दुनिया का अमीर तरीन शख्स है, ठीक है, वो बिल गेट्स चला गया, ठीक है, और वो फेसबुक का ओनर चला गया, इंडिया के अंदर आके कह रहे हैं वाओ, मतलब उनकी टेक्नोलॉजी देखे मोदी को कहता है आई इंस्पायर्ड। बिल्कुल ऐसे ही है, मैं खुद आपको बता रहा हूँ ना भाई, इंडिया हम इंडिया से मुकाबले तो करते हैं लेकिन हम बातों में उनसे आगे हैं, लेकिन हर काम के लिहाज से उनसे हर पीछे हैं, ठीक है। जो हाथ है कि भाई हम पीछे रह गए, यही है भी जोन से भी सियासतदान आता है अपने ही पेट पालता है, ठीक है, आवाम को उसका ख्याल ही नहीं है, आवाम की तरफ देखता भी नहीं है, तो आवाम बेचारी क्या करे, आवाम वैसे कसूर आवाम का भी है, ठीक है, कुछ आवाम जोन सी है वो नूली को सपोर्ट कर रही, अपना उन्होंने फ्यूचर नहीं देखना, बस जिद बाज में लगी।